चल उड़ता बंद 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 होए। अरे भाई 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 क्या ट्रेलर बनाया है भाई। ट्रेलर देख के मतलब एकदम फुल ऑन मजा आ गया। पहले तो तुम लोग सब ये बताओ कि क्या आपने भारत का ट्रेलर देखा? नहीं देखा आपने? अभी तक भारत का ट्रेलर नहीं देखा? आप सही मात्रा में गांडू हैं। पूछिए क्यों, कोई बहस वाली बात ही नहीं है, आप हैं गांडू। आपने ट्रेलर नहीं देखा और आप ट्रेलर का रिव्यू देखने आ गए हैं पहले? बताइए, मैं सही बता रहा हूँ, आप पहले जाके ट्रेलर देखिए, एकदम फुल ऑन मजा आ जाएगा। मतलब भाई ने एकदम फुल ऑन मसालेदार मूवी बनाई है। मतलब ये बात तो क्लियर है कि भाई को मसाला बहुत पसंद है जिंदगी में। भाई ने इतना मसाला डाला है, इतना मसाला डाला है, इतना मसाला डाला है कि मूवी एंड होगी ना तब तक व्यूअर्स पूरे मसाले में, भाई मसाले में व्यूअर्स को पूरा डुबा देंगे और फिर बोलेंगे कि सारा तुम्हारी जिंदगी में मसाले की कमी थी, ये लो मसालेदार जिंदगी। जवानी हमारी एकदम जाने मन थी। वाह वाह, अरे वाह भाई, क्या डायलॉग है यार, क्या डायलॉग है, पूरा मजा आ गया। देखिए ट्रेलर से कुछ बातें तो एकदम क्लियर होती हैं। बात नंबर एक कि मूवी के जो गाने हैं ना वो एकदम हार्ड है भाई, एकदम हार्ड हैं। आपको थिएटर में पक्का से कुछ ना कुछ ढेरों, नहीं कुछ ना कुछ नहीं, ढेरों सारे सलमान फैंस मिल ही जाएंगे जो एकदम दुम 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 धड़ाका दुम धड़ाका दुम धड़ाका नाच रहे होंगे अपना पूरा दिल खोल के। और बात नंबर दो कि मूवी का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अच्छा है, बहुत अच्छा तो पता नहीं पर अच्छा ज़रूर है। लाइक इट्स लाइक स्टडिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद भाई, ओ नॉट भाई सॉरी भारत। भारत क्या? मेरे बाबूजी ने देश के नाम पर मेरा भी नाम रखा है। अब अगर उसके आगे पीछे मैं कोई सरनेम लगा दूं तो उस नाम का कद्र और इज्जत दोनों ही छोटे पड़ जाते हैं। और यार तुमने एक और बात नोटिस की कि सोनिया गांधी की हिंदी एक्चुअल में सुधर गई है काफी ज्यादा। क्या ढिंचाक डायलॉग बोली है यार वो मूवी में, क्या ढिंचाक डायलॉग बोली है, वाह। भारत जी, इस दफ्तर में चुनाव का नामांकन पत्र नहीं भरा जाता है, और जिस नौकरी के लिए आप आई हैं उसमें इतनी भारी ज्ञान की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और अपनी गुट्ठी तो है ही, तो बाकी की एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी उसकी, हंसाएगा भी वही और थोड़ी सी एंटरटेनमेंट जो बची रही वो भी वो कर लेगा। और भाइयों ये जो भारत बंदा है ना, ये बंदा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग है। मतलब आप देखिए, इसने सर्कस में धूम मचाई है, फिर बाद में ऑयल फील्ड पे इश्क लड़ाया है, फिर कोल माइंस में ये भाई जाके मौत से खेल रहे हैं, और फिर एंड में नेवी में जाकर ये दुश्मनों से लड़ रहे हैं। और ये भी उस टाइम पे जब, उस वक्त देश की हालत नाजुक थी, एम्प्लॉयमेंट था नहीं। भाई एकदम पूरा छा गए हैं। मतलब यहाँ पे पूरा देश एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान है और भाई ने ट्रेलर में ही चार जॉब कर डाली। भाई का पक्के से Naukri.com वालों के साथ एक सुपर प्रीमियम करके कोई अकाउंट है जो भाई का चले जा रहा है और इधर पूरे देश को पता ही नहीं है। मतलब यहाँ पे हम MBA करके भी हमारे जॉब के आज ठिकाने नहीं है, और भाई उस जमाने में चार चार जॉब लेके एकदम ऐश कर रहे हैं भाई। सो ओवरऑल आई रियली लव्ड एंड एन्जॉय द ट्रेलर, और ये मूवी धमाका मचाएगी मचाएगी मचा देगी। अब मुझे पता है कि कुछ लोग आएंगे, ज्ञानी लोग आएंगे और बोलेंगे अरे क्या इलॉजिकल मूवी है यार, कुछ भी लॉजिक नहीं है इस मूवी में। मेरी उनसे विनती है कि भाइयों प्लीज़, ये सल्लू भाई की मूवी है, इसमें लॉजिक मत ढूंढो,
इसमें आप ढूंढो एंटरटेनमेंट, आपको एंटरटेनमेंट भर भर के मिलेगा, और उसके बाद आप भी खुश होगे और आप अपनी ज़िंदगी में भी सहमत रहोगे। तो प्लीज़, तो फिर हम मिलते हैं 5 जून को थिएटर्स में। तब तक के लिए भारत माता की जय। कौन चिल्लाया? जय धर्मपाजी, क्या चल रहा है भाई? इन 3 लफ्जों में इतनी ताकत है कि ये मुर्दों को भी जिंदा कर दे। भारत माता की जय। जिंदा हूँ मैं तुझ में रहूंगा जिंदा, तोड़ के सब जंजीरें।